अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। आज मैं आपके साथ होली, दीपावली, कोई भी पर्व त्योहार हो उसमें बनाई जाने वाली गोजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं सूजी और मावे से बनाऊंगी और बिना चाशनी में डूबे हुए। तो चलिए उसे किचन चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये बनती है। मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप और लास्ट तक जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप मेरी जैसी ही बना सके और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी, इसमें बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं आती है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर यदि आप अभी नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। उससे मैं इंस्पायर होती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मैं और भी अच्छी से अच्छी रेसिपी आपको बताना चाहूंगी। वैसे भी मैं सेलेक्टेड रेसिपी आपके लिए लेकर आती हूँ, तो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी मेरी वीडियो को देखें और वो भी ट्राई कर सके। तो चलिए चलते हैं किचन में और बताते हैं आपको गुजिया। तो ऐसी गुजिया बनी है, ऐसी गुजिया आपको भी इस बार होली में बनानी है तो चलिए इसकी रेसिपी देखिए और स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिए अंत तक। यदि आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो जरूर ऐसी गुजिया बनकर रेडी होगी, बहुत ही अच्छी है। देखिए इस तरह के मैंने तोड़कर दिखाया आपको, बहुत ही अच्छी बनी है, ना हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए इसकी रेसिपी को दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से बनाना है। तो चलिए सूजी वाली गुजिया कैसे बनती है मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिएगा तो ये बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखिए उसके लिए मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है, इसे अच्छी तरह से छान लिया है और हमने एक कप से थोड़ा कम सूजी लिया है, एक कप से थोड़ी कम जितनी सूजी उतनी चीनी को हमने इस तरह से बारीक पाउडर कर लिया है मिक्सर में। ये जो नारियल है, ड्राई कोकोनट है, ये होम मेड है मेरी, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो इसे बना सकते हैं घर में या बाजार के भी आप यूज कर सकते हैं। इसे मैं बारीक पीस लूंगी, बादाम को बारीक काट लेंगे, किशमिश, काजू और ये पांच इलायची इसे तोड़कर हम इसे क्रश कर लेंगे। तो चलिए फटाफट इसे बनाते हैं। तो चलिए गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे को रेडी कर लेते हैं, इसे सेट होने में समय लगता है तो 20 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। तो देखिए मैदे को इस तरह से बीच में 200 ग्राम मैदा है और 50 ग्राम हमने घी लिया है, इसको थोड़ा गर्म कर लिया हमने। तो इसमें आप घी न ज्यादा होनी चाहिए न कम होनी चाहिए, यदि आप ज्यादा घी डाल देंगे तो ये क्रिस्पी होकर टूट जाएगी और यदि कम घी डालते हैं तो ये हार्ड हो जाएगी। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं आहिस्ते आहिस्ते, उसके बाद हम इसमें थोड़ी थोड़ी पानी ऐड करके इसे गूंथ लेंगे। देखिए इसे घी में अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया इस तरह का, आप इसे इस तरह से करके देखेंगे तो इस तरह से मैदा बाइंड हो रहा है। तो अब मैं इसमें हाफ कप मैंने दूध लिया है, थोड़ी थोड़ी दूध ऐड करूंगी और इसे गूंथ लूंगी, ज्यादा हमें सख्त भी नहीं गूंथना है, मुलायम भी नहीं रखना। आप दूध की जगह पानी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दूध से किसी चीज को, पानी की जगह अगर दूध से आप किसी चीज को गूंथेंगे, किसी भी आटे को, तो वो बहुत ही अच्छी बनती है, इसलिए मैं थोड़ी सी दूध यूज कर रही हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार पानी भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसे हमने गूंथ कर रेडी कर लिया है, इस तरह का डो हमने लगाया है, ना ज्यादा सख्त है ना ज्यादा मुलायम है। इसे गूंथने में हाफ कप हमने जो दूध लिया था वो लग गया है। तो चलिए इसे ढककर हम रेस्ट करने देते हैं 20 मिनट के लिए, तब तक हम इसके जो फिलिंग है गोजी में जो फिलिंग भरी जाती है सूजी वाली उसे हम रेडी कर लेंगे। तो इसे ढककर साइड में रख देते हैं। तो देखिए गैस ऑन करके हमने एक कढ़ाई रख ली है नॉन स्टिक,
एक चम्मच हम देसी घी इसमें डाल देंगे इस तरह से। अभी मैं पाउडर मिल्क से मावा आपको बता रही हूँ। देखिए घी पिघल गई है और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। इसमें हम थोड़ी सी दूध डाल देते हैं हाफ कप और ये जो मिल्क पाउडर हमने लिया है इसे थोड़ी थोड़ी इस तरह से डालते जाएंगे, इसे मिक्स करते जाएंगे। एक साथ नहीं डालना है। यदि आप बाजार के मावे यूज करेंगे तो उसे भी भूनना पड़ेगा, लेकिन यदि आपको मावे नहीं मिले और आजकल बहुत मावे में मिलावट आ रही है इसलिए मैं होममेड मावा 5 मिनट में ये मावा बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी मिल्क पाउडर को ऐड करते जाइए और इसे इस तरह से मिक्स करते जाइए। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम कर लेना है और इसे कंटिन्यू हमें इस तरह से चलाते जाना है। देखिए हमें इसे चलाते हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है और आप देख सकते हैं ये मावा हमारा रेडी होने लगा है। जैसे ही ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो हमारा मावा बनकर रेडी हो जाएगा। मेरा यकीन मानिए फ्रेंड्स, 5 मिनट में आप होममेड मावा खुद बनाकर उसे यूज कर सकते हैं और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है, तो आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और हमारा मावा बनकर रेडी हो गया, तो गैस को कर लेते हैं ऑफ। आप देख सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में हमारी होममेड बहुत ही अच्छी मावा बन रही है। तो इसे एक प्लेट में निकाल कर अलग रख लेते हैं और ये थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद मैं इसका यूज बताऊंगी। आप स्टेप बाय स्टेप इसे पूरी वीडियो को फॉलो जरूर कीजिएगा फ्रेंड। देखिए मावा हमने भून कर निकाल लिया। अब सेम कढ़ाई में मैं डालूंगी ये थोड़ी सी घी 1½ टीस्पून। ये हमारी होममेड देसी घी है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप घर पर ही बहुत ही अच्छी तरह से होममेड घी रेडी कर सकते हैं और बाजार के मिलावट से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, घर में बनाइए और खाइए। तो घी हमारा मेल्ट हो गया, इसमें मैं सूजी डाल दूंगी और सूजी को हम भून लेते हैं। थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे, इस तरह से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें लगातार चलाते हुए सूजी को भून लेना है। ज्यादा हमें इसे जलाना नहीं है और हाथ को बिल्कुल रेगुलर आपको चलाना है लगातार, ताकि ये जले ना। छोड़ देंगे तो ये सूजी हमारी जल सकती है, हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए तो ये मैं इसे बंद कर दूंगी गैस को। वैसे भी मैं सूजी को थोड़ा सा भून कर रखती हूँ। सूजी को यदि आप पहले से थोड़ा सा गर्म करके कढ़ाई में भून कर रखेंगे तो उसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते। आप 2 से 3 महीने इस तरह से डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं और जब आपको कुछ भी बनाना हुआ, सूजी का शीरा, हलवा, उपमा जो भी, तो आप उसे यूज कीजिए। भून कर रखने से सूजी में कीड़े नहीं लगते हैं, तो इस ट्रिक को आप अपनाइएगा जरूर। देखिए ये हो चुका है, अब इसे ब्राउन नहीं करना। गैस को कर देते हैं ऑफ और इसे बर्तन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए एक प्लेट में हमने सूजी को भी निकाल लिया है और मावे को भी। जैसे ही दोनों ठंडी हो जाती है उसके बाद मैं सारी चीज इसमें मिक्स करूंगी और इसकी स्टफिंग करके गुजिया बनाऊंगी। देखिए सूजी हमारी ठंडी हो गई है और मावा भी ठंडा हो गया है, तो इसमें एक एक करके मैं सारी चीज मिक्स कर दूंगी। गरम सूजी में कभी भी आप चीनी को मिक्स मत कीजिएगा, नहीं तो ये पिघलने लगेगी। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर जो हमने क्रश कर लिया है, ये किशमिश, काजू को हमने बारीक चॉप कर लिया, आप देख सकते हैं थोड़ी बारीक ही चॉप कीजिएगा ना तो ये ब्राउन में फट सकती है। बादाम को हमने बारीक चॉप कर लिया है। ये मावा भी मैं डाल देती हूँ इसमें, बहुत ही अच्छा मावा बनकर रेडी हुआ है, होममेड मावा हमारा। और चीनी जो हमने 1 कप चीनी ली थी उसे इस तरह से पीस लिया है, तो इसे भी डाल देते हैं।
गुजिया जो बनती है उसके ऊपर वाले परत में बिल्कुल मिठास नहीं रहती है, तो अंदर थोड़ी मीठी अच्छी लगती है। और ये सारी मिठाइयां होली में या दीपावली में थोड़ी मीठी अच्छी लगती है। देखिए नारियल को हमने इस तरह से मिक्सर में क्रश कर लिया, इसे भी डाल देंगे इसमें और इसे मिक्स कर लेते हैं। स्पून से ये मिक्स अच्छी तरह से नहीं होगी तो मैं इसे हाथ से मिक्स करूंगी। सारी चीनी को मैं ऐड कर दूंगी, थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है। थोड़ा स्पून से इस तरह से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद हाथों से मिक्स कर लेंगे। देखिए हाथों से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, जो भी इसमें मावे ड्राई फ्रूट जो भी हमने डाले थे उसे अच्छी तरह से इस तरह से मसल कर आप इसे मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जो मावे थे वो उसके लम्स ना रह जाए। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हुई है और मेरा यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, मैं फटाफट चल रही हूँ इसे बनाते हैं। तो चलिए 20 मिनट हो चुके हैं, देखिए मैदे को रेस्ट करते हुए ये और सख्त होगी, तो इसे थोड़ा सा हाथों से फिर से मसल कर इसे सेट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैदे को हमें इस तरह से मसल मसल कर चिकना कर लेना है, फिर हम इससे लोइयां तोड़ लेंगे। तो लोई करने के लिए आपको अगर एक बराबर बनानी है तो इस तरह से राउंड राउंड कर लीजिए और उसके बाद इसमें से आप लोई एक बराबर तोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से गोल गोल हम बिल्कुल चिकना पेड़ा बनाकर इसे रख लेते हैं और इसे ढक देंगे, क्योंकि ये सूखनी नहीं चाहिए, लोई सूख जाएगी तो ये बेलते वक्त हमारी फट जाएगी। तो चलिए और भी लोई रेडी कर लेते हैं। देखिए इसकी हमने लोई बना ली है, इसे ढक देते हैं, एक एक लोई निकालेंगे और इस तरह से इसे बेल कर रेडी करेंगे। पहले एक कटोरी में हम पानी ले लेंगे इस तरह से इसे चिपकाने के लिए। तो इस तरह से हमें बिल्कुल बराबर बेल कर रेडी करना है हमें। यदि आप छोटी बनाएंगे तो ये फट सकती है, तो साइज इसकी सही होनी चाहिए, किनारे से मोटी बीच में पतली नहीं होनी चाहिए, न तो ये तेल में जाते साथ फट जाएगी। तो हर तरफ से बराबर इसे किनारे इस तरह से दबाव डालते हुए हमें एक बराबर बेल लेना है। देखिए इस तरह का बेल लेना है हमें। तो देखिए बेल कर हमने रेडी कर लिया, अब मैं इसमें स्टफिंग भरूंगी। तो स्टफिंग को हमें एकदम आहिस्ते से बीच में ही डालना है, तो मैं 2 टीस्पून इसमें स्टफिंग भर रही हूँ। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो पानी हमने लिया उसमें उंगली डुबाकर इसके आधे पोर्शन में हमें अच्छी तरह से पानी को इस तरह से लगा देना है उंगली से। और अब इस वाले भाग को हम ऐसे आहिस्ते से उठाएंगे और इस पर हम चिपका देंगे, इसे अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिए। इस तरह से अच्छी तरह से हमें प्रेस करना है ताकि ये तेल में जाकर फटे ना। तो आप इसे मोल्ड में भी बना सकते हैं, प्लास्टिक की मोल्ड आती है बाजार में, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो इसे मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से फोल्ड करना है। ये भाग पकड़िए, इसे थोड़ा सा इस तरह से खींच लीजिए और ऐसे हमें इस तरह से करते जाना है और ऐसे मोड़ते जाना है। देखिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते जाना है ताकि इसका किनारा मुड़े ना। देख सकते हैं इस तरह की डिजाइन हमें बना देनी है और इसे कवर भी कर देना है। देख सकते हैं बंद होती जा रही है। ये बनकर हमारा रेडी हो गया है, तो इसे एक प्लेट में हम रख देते हैं। सेम प्रोसेस से हमें दूसरी वाली को भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बनाना है।
और यदि आप प्लास्टिक मोल्ड से बनाएंगे तो आप उसे उसमें डालकर बीच में स्टफिंग भरकर और इसी तरह से पानी लगाकर चिपका के उसे तो प्रेस कर देना है, वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। और ऐसे भी बना सकते हैं, मैं बिना मोल्ड के, यदि किसी के पास वो मोल्ड ना हो या बाजार में नहीं मिले, कभी कभी अवेलेबल नहीं होती है, तो आप इस तरह से आराम से गुजिया बना सकते हैं। देखिए 2 टीस्पून एकदम बीच में सेंटर में आप एकदम आहिस्ते से रखिएगा, ताकि ये स्टफिंग बीच में ही रहे, नहीं तो ये चारों तरफ फैल जाएगी। यदि फैल भी जाती है तो इसे इस तरह से उंगली से साइड कर दीजिए और वैसे ही उंगली पानी में डुबोकर हमें हाफ पोर्शन में इस तरह से पानी को अच्छी तरह से लगा देना है। हाफ सर्कल में इस तरह से पानी लगा दीजिए और इस वाले भाग को आहिस्ते से उठाकर इस पर हमें इस तरह से प्रेस करते हुए चिपका देना है अच्छी तरह से। तो देखिए फिर मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से इसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से कर लीजिए और ऐसे इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ अंगूठे से इस तरह से प्रेस कीजिए ये, और इसे इस पर फोल्ड करते जाइए। देखिए अच्छी तरह से पैक हो गई है। ये ट्रेडिशनल गुजिया मैं बता रही हूँ, हमारी दादी नानी माँ सारे जब मोल्ड नहीं आती थी तो इस तरह से बनाती थी। तो इसमें भी अधिक मेहनत नहीं लगती और इसमें वेस्टेज नहीं है। आप जो मोल्ड से बनाएंगे तो उसमें से आपके मैदे साइड से निकलेंगे, उसे फिर से आपको बनाना पड़ेगा, ये एक बार में काम खत्म। तो चलिए इस तरह का बनाकर हमें पहले रख देते हैं। 10 से 15 मिनट इसे हम इसी तरह से छोड़ देंगे, पंखे की हवा में नहीं रखेंगे। तो उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए सारे गुजिया को हमने मोड़कर रख लिया है, उतने आटे में हमारी 16 गुजिया बनकर रेडी हुई है। तो आप इस तरह से प्लेट में भी रख सकते हैं या कपड़े, कोई व्हाइट कपड़ा या कोई भी कलर का कपड़ा हो उसे बिछाकर उसमें रख दीजिए। तो इसे हम 10 से 15 मिनट रेस्ट करने देते हैं, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं, ये हमारी थोड़ी ड्राई हो गई है। 10 मिनट रेस्ट कर 10 से 15 मिनट यदि आप रेस्ट करने देते हैं इसे बनाकर, तो ये काफी क्रिस्पी और अच्छी बनती है। तो चलिए तेल को चेक कर लेते हैं। तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया एक पैन में। तो तेल को एक छोटे से मैदे के डो से डालकर चेक करते हैं। तेल हमारी गर्म हो गई है अच्छी तरह से। इसे बहुत ज्यादा गर्म तेल में हम नहीं डालेंगे, तो गैस का फ्लेम हमारा मीडियम ही है और एक एक करके मैं इसे आहिस्ते से मैं डाल देती हूँ इस तरह से। जितना आ जाए 4-5 आसानी से फ्राई हो सके उतना ही हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए इसमें हमने 4 डाल दिए हैं, अभी और भी इसमें पड़ सकती है, तो मैं एक साथ 5 को फ्राई कर लेती हूँ। और गैस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये फूल रही है, और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना और इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें, लाइट ब्राउन ही करेंगे। तो जैसे ही एक तरफ से ये हल्की सी ब्राउन हो जाए हम इसे पलट लेंगे। देखिए हल्की ब्राउन हो गई है, तो इसे हम पलट लेते हैं और इसे हमें अधिक ब्राउन नहीं करना है इस तरह से। थोड़ी सी और ब्राउन हो जाइए दूसरी तरफ से भी, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए इसे इस तरह से निकाल लेते हैं एक टिश्यू पेपर पर, इस तरह से सारे को निकाल लेंगे। इसे हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है,
थोड़ी सी अधिक ही हो गई है, इससे भी कम हमें फ्राई करना है। और इसे निकाल लेते हैं, दूसरे बेस को हम इसमें डाल देंगे। तो इसे साइड में थोड़ा सा रोक लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है हमारे कढ़ाई में ही रहे। तो देखिए इसे हमने निकाल दिया है, बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही अच्छी बनी है। थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो एक मैं आपको तोड़कर दिखा दूंगी। चलिए दूसरे बैच को भी हम डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। देखिए इस तरह से दूसरे बैच को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो पैन में हमने तेल काफी डाला हुआ है, तो इसमें 5 से 6 एक साथ फ्राई हो जाएगी। गुजिया बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, लेकिन यदि 2 लोग मिलकर बनाएं, एक जन बेले एक जन भरे और भरकर उसे सील करें, तो 2 से 3 लोग अगर लग जाएंगे तो बहुत ही जल्दी बनकर रेडी रहती है। देखिए 6 हमने एक साथ डाल दिए हैं, और जैसे ही इसका ऊपर का कलर चेंज हो जाए और अंदर नीचे से ये थोड़ी सी हल्की सी ब्राउननेस आ जाए, हम इसे निकाल लेंगे। इसे फ्राई करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, और मीडियम टू लो फ्लेम पर आप फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। और जो हमने रेस्ट करने दिया इसलिए ये और भी अच्छी क्रिस्पी बनी है। तो इस तरह से इस बैच को भी हम निकाल लेंगे किचन टावल पर। देखिए इस तरह का ब्राउन होना चाहिए, पहली बार वाली मेरी थोड़ी सी अधिक ब्राउन हो गई, तो आप इस तरह का निकालिए और एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिए फ्रेंड्स। ये भुजिया बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, मोल्ड में भी रख के इसे आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि जिसके पास मोल्ड ना हो वो इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए सारे को अच्छी तरह से हम निकाल लेंगे। तो देखिए सारे गुजिया को हमने तल लिया, इसे तलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, 16 गुजिया हमारा बना है। तो आप देख सकते हैं एक साथ मैंने 6-6 तले हैं, तो ये यदि इस तरह के चौड़े में वाले बर्तन में आप तलेंगे तो एक साथ बहुत जल्दी ये तलकर रेडी हो जाती है। तो चलिए इसे सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद कि अंदर से कितनी अच्छी सॉफ्ट है। तो देखिए गुजिया हमारी बनकर रेडी हो गई है, इसे बनाने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है लेकिन खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, और होली में तो होली तो गुजिया के बिना अधूरी ही है। तो देखिए मैं आपको एक गुजिया तोड़कर दिखाती हूँ इसमें से कि कितनी अच्छी बनी है और कितनी क्रिस्पी। देखिए ऊपर से आप देख सकते हैं इसका, मैं इसकी आवाज आपको सुना देती हूँ ऊपर से, अभी थोड़ी ये हल्की गर्मी है, पूरी ठंडी नहीं है। देखिए ऊपर से काफी क्रिस्प है और हार्ड नहीं है। गुजिया का ऊपर वाला परत यदि हार्ड हो जाए तो खाने में बहुत ही बुरा लगता है। तो देखिए मैं आपको इस तरह से तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट ये बनकर रेडी हुआ है, और ये देखिए बहुत ही अच्छी गुजिया बनी है। स्टेप बाय स्टेप आप लास्ट तक इसे फॉलो यदि आपने किया है मेरी वीडियो को तो बहुत ही अच्छी आप भी बना सकते हैं इसी तरह की, और इस बार होली पर बनाइए, आपके मेहमान आपके घर से बिल्कुल खुश होके जाएंगे और जरूर पूछेंगे कि आपने ये गुजिया कैसे बनाई। तो चलिए इसे ट्राई कीजिए और मुझे अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।